स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय 10+2 परीक्षा के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उससे रिलेटेड एक आर्टिकल आया है प्रभात खबर में, वो हम लोग देखते हैं। प्रथम इंटर लेवल संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2014 के काउंसिलिंग पर पटना हाई कोर्ट ने दिया ये निर्देश, ठीक है। क्या निर्देश दिया पटना हाई कोर्ट, सो हम लोग देखते हैं। प्रथम इंटर लेवल काउंसिलिंग प्रतियोगिता की परीक्षा 2014 के काउंसिलिंग को लेकर दायर एक रीट याचिका, जो एक रीट याचिका दायर की गई थी, उस पर सुनवाई करते हुए पटना हाई कोर्ट ने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को 11 जनवरी तक जवाबी हलफनामा दाखिल कर, ठीक है, हम देखते हैं उसके बाद क्या लिखा हुआ है। बिहार प्रथम इंटर लेवल प्रतियोगिता परीक्षा के काउंसिलिंग को लेकर दायर एक रीट याचिका सुनवाई करते हुए पटना हाई कोर्ट ने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के 11 जनवरी तक हलफनामा दाखिल कर करने का निर्देश दिया। जस्टिस आशुतोष कुमार की एकल पीठ में विनोद कुमार व अन्य द्वारा रीट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया है। यह निर्देश दिया है कि पटना हाई कोर्ट ने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा वर्ष 2014 या वर्ष 2016 में जारी किए गए जाति प्रमाण पत्र को ही मांगने से मना किया है। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि मामले में प्रतिवादियों द्वारा लिए जाने वाले कोई भी अंतिम निर्णय इस याचिका के फलाफल पर निर्भर करेगा, ठीक है। याचिकाकर्ता ने रीट याचिका के माध्यम से स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बिहार द्वारा काउंसलिंग के लिए चयनित अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े व अत्यंत पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों से 31 अक्टूबर 2014 से 13 मार्च 2016 तक जारी किए गए नॉन क्रीमी लेयर जाति प्रमाण पत्र की मांग को गैर कानूनी करार दिए जाने की मांग कोर्ट से किया है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, जारी विज्ञापन के अनुसार पिछड़े व अत्यंत पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों से सर्किल ऑफिसर्स द्वारा जारी इस आशय का जाति प्रमाण पत्र मांगा गया था कि वे क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं। विज्ञापन में कहा गया था कि आवेदन के ऑनलाइन फाइलिंग के वक्त पिछड़े व अत्यंत पिछड़े वर्गों के लिए नॉन क्रीमी लेयर और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होगी, काउंसिलिंग के समय इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यही एक अपडेट आया है कि आपका जो 11 जनवरी को जो है पटना हाई कोर्ट में सुनवाई है, इसका जो निर्देश जारी किया गया याचिका दायर जो रीट याचिका दायर किया गया था उसके रिलेटेड, ठीक है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।